हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सबके बीच इस वक्त की बड़ी खबर, सिरसा से शिक्षक दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ये आयोजन किया गया है। एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की है। गोपाल कांडा ने शिक्षकों का अभिनंदन किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एचएलपी अध्यक्ष ने विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया, साथ ही साथ उन्होंने शिक्षक दिवस की उन्होंने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को नमन किया है। गोपाल कांडा ने कहा, समाज की दशा और दिशा बदलने की जिम्मेवारी शिक्षकों की है। उन्होंने कहा कि माँ बाप और अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करें। पत्थर को तराश कर भगवान की मूर्ति बनाने की जिम्मेवारी शिक्षकों की है। गोपाल कांडा ने विवेकानंद स्कूल प्रबंधन और लायंस क्लब की सेवाओं को भी सराहा। संस्थाओं ने एचएलपी अध्यक्ष का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षक दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने। शिक्षकों का अभिनंदन किया एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने, साथ ही उन्होंने विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का भी शुभारंभ किया। शिक्षक दिवस की गोपाल कांडा ने बधाई दी। सिरसा से संवाददाता अमित तिवाड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया शिक्षक दिवस के मौके पर, जिसमें शिरकत की एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने भी, क्या कुछ रहा इसके दौरान? एम जी बिल्कुल रेणु, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें लायंस क्लब डायमंड और रोड सेफ्टी अभियान की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोपाल कांडा शामिल हुए। उन्होंने न केवल शिक्षकों को समाज के लिए का अभिनंदन भी किया समाज की ओर से, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर देश की दिशा और दशा बदलनी है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका केवल और केवल शिक्षक समाज ही निभा सकता है। उन्होंने इस अवसर पर बच्चों के लिए, विशेष रूप से जो विवेकानंद स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए चॉकलेट्स के लिए 51,000 रुपए का अनुदान दिया। साथ ही उन्होंने सभी टीचर्स का अभिनंदन किया, और जो एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था वहां, जिसमें सभी बच्चों की निशुल्क मेडिकल जांच की गई, उन जांच करने आए सभी चिकित्सकों का भी यहां सम्मान किया गया। जी चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।